हिंदी सिनेमा में कई ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जो साउथ फिल्म इंडस्ट्री से आई हैं और बॉलीवुड में ऐसी छाई कि उनकी जगह कोई भी ना ले पाया, और हेमा मालिनी भी उन्हीं में से एक हैं। हेमा मालिनी अपने ज़माने की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस में से एक हैं, जिन पर को स्टार्स मरते थे और उनके घर के बाहर प्रोड्यूसर्स की लाइन लगी रहती थी। हेमा मालिनी ने बहुत कम उम्र में ही शोहरत और पैसा कमा लिया था। वे अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाई थी। 11वीं के बाद ही हेमा ने फिल्मी दुनिया की ओर रुख कर लिया और अपनी खूबसूरती और एक्टिंग से हर ओर छा गई। और हेमा मालिनी ने साल 1961 में एक तमिल फिल्म से डेब्यू किया है। हेमा मालिनी इस फिल्म में एक डांसर बनी थी और अपने ज़माने की सबसे फेमस एक्ट्रेस रही है। हेमा मालिनी ने अपनी ज़िंदगी में भी कई बार रिजेक्शन झेला है। साल 1964 में एक तमिल डायरेक्टर ने हेमा मालिनी को इसलिए रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उन्हें लगा कि हेमा मालिनी हीरोइन मटेरियल नहीं है। वहीं हेमा मालिनी ने अपने करियर में सबसे ज़्यादा ब्लॉकबस्टर फिल्में बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ दी हैं। राजेश खन्ना के साथ हेमा की 10 फिल्में ब्लॉकबस्टर रही हैं, जिनमें कुदरत, प्रेम नगर, हम दोनों, बंदिश, राजपूत, बाबू, अंदाज, दर्द और दुर्गा शामिल है।